फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अपने चैनल का इंट्रो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको एक लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने इंट्रो को। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको अपना इंट्रो सेलेक्ट कर लेना है। आपका इंट्रो इस तरह से सेलेक्ट हो गया दोस्तों। और अगर आप YouTube में अगर इस इंट्रो को खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही मेहनत से इस इंट्रो को बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। तो आपको यहाँ पे अपने चैनल का लोगो और नेम लिखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर, और अपने चैनल का लोगो इस तरह से यहाँ से ले चूज़ कर ले और इस तरह से यहाँ पे फिट बैठा दे। यहाँ इस तरह से आप इसे यहाँ पे बैठा दे और यहाँ पे डन कर दे। इसका साइज पूरा यहाँ से जितना बड़ा आपका इंट्रो है उतना तक मिला दे इसको। और यहाँ पे अब आपको अपना चैनल का नाम लिखना है। आपको यहाँ से लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है अपने चैनल का नाम। तो मेरे चैनल का नाम है जियो वाट वन और यहाँ से ओके कर देना है। और आपको यहाँ से फिट करना है और इस तरह से यहाँ पे बैठा दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे कलेक्ट कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, आप जो कलर चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से डन कर दें और इसको भी बराबर कर दें। तो दोस्तों, ये इंट्रो आपको पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पूरा इंट्रो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी तरह से आप बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो यहाँ से आके डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पे जाके आप इसे अपने फाइल में सेव कर सकते हैं। तो मैंने पहले से बना के रखा है इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। तो अब आपको अपने वीडियो में इसे लगाना कैसे है, तो दोस्तों मैं आपको अभी वीडियो इस इंट्रो को आप कैसे लगाइएगा मैं आपको वो दिखाऊँगा। ये रहा वीडियो, हम इसी को लेते हैं अभी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना इंट्रो यहाँ से चूज़ कर लेना है। मेरा इंट्रो ये रहा और यहाँ से आपको इसकी साइज फिक्स कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे नीचे आएगा क्रोमा की, इसको इनेबल कर देना है दोस्तों। जैसे इनेबल कीजिएगा आपका ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा, यहाँ से डन करके। और फिर आप इसे वीडियो के जिस पार्ट में लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। देखिए, पूरा इंट्रो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।